खबर है बस्ती से। बस्ती के लालगंज थाना क्षेत्र के सिसई पंडित गांव में सुनील हत्याकांड में पुलिस की ढिलाई उजागर हो गई है। घटना को 7 महीने से अधिक समय बीत गया है, लेकिन हत्यारोपित पुलिस की गिरफ्त से दूर है। लालगंज पुलिस ने पहले कार्रवाई करने में अब विवेचना में लीपापोती कर दी है। विवेचक में मई न्यायालय में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर पेश कर दी गई थी, लेकिन न्यायालय ने रिपोर्ट को निरस्त करते हुए दोबारा घटना की जांच करने का आदेश दिया है। दूसरी तरफ मृतक के परिजन का आरोप है कि मामले में लालगंज पुलिस शुरू से ही लीपापोती कर रही थी। 15 दिसंबर 2021 की रात गांव के पास नहर के बगल खेत में सुनील यादव का शव मिला था। परिजनों का आक्रोशित होने के बाद दूसरे दिन देर रात लालगंज पुलिस ने 5 के विरुद्ध हत्या का नामजद मुकदमा दर्ज किया था। वहीं लालगंज थाना अध्यक्ष को आदेशित किया गया था कि मामले की अग्रिम विवेचना कर प्रगति से न्यायालय को अवगत कराया जाए, लेकिन अभी तक विवेचना पूरी नहीं हो पाई है। मृतक के भाई संतोष यादव का कहना है कि अभी तक उनके भाई के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं की गई है। कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं। एडिशनल SP दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया है कि विवेचना अभी चल रही है। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए देखिए धर्मेश अग्निहोत्री की रिपोर्ट। जैसे पंडित का मामला है, अभी तक उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इसमें अभियोग ऑलरेडी दर्ज है धारा 302 में। इसमें कुछ परीक्षण परिणाम और कुछ लाइव की रिपोर्ट अभी पेंडिंग है, और उनके आने के पश्चात इसका संपूर्ण विश्लेषण करके इसमें आगे की कार्रवाई और गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। सब पीड़ित ने कई बार आपसे याचना किया है, लेकिन अभी तक कोई उसको मतलब बात मुख्य रूप से विवेचना भी चल रही है। और इसमें भी मैंने आपको बात बताई इसमें फॉरेंसिक साइंस की कुछ रिपोर्ट्स अभी आनी है, उसी के इंतजार में विवेचना भी होना चाहिए।